सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। वेलकम टू एवरीवन इन एनपी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो नेटवर्किंग केबल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि नेटवर्किंग केबल्स कितने टाइप्स में होते हैं। ठीक है, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केबल्स, कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे कोएक्सियल केबल के बारे में बात करेंगे, कोएक्सियल केबल क्या होता है एंड ये कितने टाइप्स में होता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो जो केबल होती है वो हमारी तीन टाइप्स में होती है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केबल, कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। जो अभी हम बात करेंगे वो हम करेंगे कोएक्सियल केबल के बारे में। तो कोएक्सियल केबल क्या होता है? ठीक है, कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉपर कंडक्टर, सिंगल कॉपर कंडक्टर। अभी कॉपर कंडक्टर क्या होता है? A layer of shielding with a ground wire and outer jet. तो यहाँ पे थोड़ा नजर देख ले रहे एक बार। ये जो होता है ये हमारा कॉपर का कंडक्टर होता है, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा को ट्रांसमिट करने की। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे ये जो कॉपर का कंडक्टर होता है इसी की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यही करता है डेटा को ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पे। फिर उसके ऊपर होता है प्लास्टिक का इंसुलेटर। ठीक है, तो उसके ऊपर होता है प्लास्टिक का इंसुलेटर और एक होता है मैस। मैस क्या करता है, ये EMI एंड RFI सिग्नल से प्रोटेक्ट करवाता है। ठीक है, तो ये कॉपर का भी होता है और सिल्वर का भी होता है। ठीक है, और ये होता है उसके ऊपर आउटर जैक जो क्या करता है, सारी केबल्स को प्रोटेक्ट करवाता है। ठीक है, उसके ऊपर होता है आउटर जैक। तो ये होता है मैस एंड ये होता है प्लास्टिक इंसुलेटर और ये होता है जो कॉपर कंडक्टर होता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा को ट्रांसमिट करने की एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, ज्यादातर आपने अभी देखा होगा टेलीविजन के पीछे जो डिश टीवी आती है, सेटअप बॉक्स के पीछे जो हमारा लगता है उसमें ये अभी जो करंट में यूज होती है कोएक्सियल केबल। ठीक है, सो वही है बोला है कि ग्राउंड वायर एंड आउटर जैक, ये जो आउटर जैक से सारा मतलब कवरअप है। ठीक है, तो यही इसने बोला कि कॉपर का कंडक्टर होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा को ट्रांसमिट करने की एक जगह पे दूसरी जगह पे। तो अभी ये जो कोएक्सियल केबल होती है ये भी हमारी टू टाइप्स में होती है, एक होती है थिक नेट, एक होती है थिन नेट। ठीक है, कोएक्सियल केबल जो होती है वो भी हमारी टू टाइप्स में होती है, एक होती है थिक नेट, एक होती है थिन नेट। अब डिफरेंट क्या है थिक नेट एंड थिन नेट में हम आगे देखेंगे, लेकिन थिक नेट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कई बार लिखा भी होता है 10 वेस 5 10 वेस 2, इस नाम से भी जाना जाता है 10 वेस 5 से और 10 वेस 2 से। थिक नेट को 10 वेस 5 से और थिन नेट को 10 वेस 2 से। अब डिफरेंट का है क्या ये 10 वेस 5 एंड 10 वेस 2? तो 10 का मतलब है 10 Mbps, इसकी बैंडविड्थ 10 Mbps, मतलब जो 10 Mbps, बिट क्या है हमारी 1010, 10 Mbps एक सेकेंड में ट्रांसमिट हो सकती है। 10 Mbps का ये ना 10 Mbps एक सेकेंड में ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, और बेस का मतलब क्या है, बेस बैंड, बेस बैंड मतलब दो टाइप्स होते हैं, बेस बैंड होता है एक होता है ब्रॉडबैंड। ठीक है, तो ये बेस बैंड को यूज करती है, मतलब जो थिक नेट होती है वो बेस बैंड होती है। बेस बैंड मतलब क्या होता है, ओनली वन सिग्नल कैन ट्रांसमिट एट ए टाइम, एक टाइम पे सिर्फ एक ही सिग्नल ट्रांसमिट हो सकता है। अगर कोई दूसरा सिग्नल आया तो वहां पे क्या हो सकता है, कॉलिजन, वहां पे क्या हो जाएगा, कॉलिजन। ठीक है, अब ब्रॉडबैंड में क्या होता है, मल्टीपल सिग्नल कैन ट्रांसमिट एट ए टाइम, कि एक टाइम पे मल्टीपल सिग्नल ट्रांसमिट हो सकते हैं यहां से भी और यहां से भी। ठीक है, तो ये बेस बैंड को सपोर्ट करती है। और 5 का मतलब होता है 500 मीटर, 500 मीटर तक जो सिग्नल जा रहा है 500 मीटर तक तो जय सही जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके स्टैंड जो है वो ब्रेक होने लगेगी, वो सिग्नल वीक होने लगेगा, तो वहां पे हमें रिपीटर की रिक्वायरमेंट होगी जो सिग्नल को क्या करेगा, बूस्ट करेगा, फिर से रिपीट करेगा। ठीक है, 500 मीटर के बाद वो सिग्नल क्या होने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो लो हो जाएगी। और 200 जैसे अगर आप 500 मीटर यहां पे 2 है, 2 का मतलब होता है 200 मीटर, वैसे मैक्सिमम तो है इसका 185, लेकिन अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 200,
ठीक है। वैसे रियर का इसका तो मैक्सिमम है वो 185 पे, लेकिन अप्रॉक्स में लेके चलते हैं 200 मीटर, ठीक है। तो अब जो थिकनेट केबल होती है वो हम टेलीफोन में यूज करते हैं, जो थिननेट यूज होती है वो हम टेलीविजन में यूज करते हैं। थिकनेट केबल होती है टेलीफोन के लिए और थिननेट होती है टेलीविजन के लिए। अब इनका जो कनेक्टर होता है वो बीएनसी होता है, ब्रिटिश नोवल कनेक्टर, इसका जो कनेक्टर होता है वो बीएनसी होता है। अब और डिफरेंट देखते हैं थिकनेट और थिननेट में क्या डिफरेंट है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये कुछ और भी डिफरेंस होता है थिकनेट और थिननेट पेंसिल में, ये थिननेट पेंसिल के डिफरेंट जो है और ये थिकनेट पेंसिल के। तो पहला है हमारा सेगमेंट, ठीक है। तो इसका जो सेगमेंट होता है वो 200 मीटर एंड 500 मीटर, इसीलिए इसे 10:2 और इसे 10:5 बोलते हैं, ठीक है। कनेक्टर, अब बीएनसी कनेक्टर भी टू टाइप्स में होते हैं, एक RJ58 एंड RJ8, RJ रजिस्टर्ड जैक। तो इसमें जो थिन नेट में जो कनेक्टर होता है उसका बीएनसी का RJ58 होता है, और थिक नेट में जो होता है बीएनसी का वो RJ8, ये कनेक्टर यूज होते हैं। मैस वायर जो हमने अभी केबल में देखा था, मैस वायर इसमें होता है वो सिल्वर का थिन नेट में, और थिक नेट में जो मैस वायर होती है वो होती है कॉपर की। डायमीटर, डायमीटर की बात करूं जो कॉपर कंडक्टर का डायमीटर, ठीक है, जो कॉपर कंडक्टर की अभी हमने बात की थी उसका डायमीटर जो थिन नेट में होता है वो 0.64 सेंटीमीटर और थिक नेट में 1 सेंटीमीटर, इसीलिए इसे थिन बोलते हैं और इसे बोलते हैं थिक, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, थिन, और इसे बोलते हैं थिक। प्रोटेक्शन, EMI एंड RFI सिग्नल से, और ये भी EMI एंड RFI सिग्नल से प्रोटेक्ट करवाती है। डेटा ट्रांसफर रेट, इसका भी 10 Mbps है और इसका भी 10 Mbps। तो ये कुछ और भी डिफरेंट था थिकनेट एंड थिननेट में। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।